बड़ी खबर मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। यूपी में एमएलसी चुनाव के बाद भाजपा संगठन में बदलाव होगा। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। यूपी में भाजपा करीब 10 जिला अध्यक्ष बदल सकती है। ये बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा चुनाव के बाद कई पार्टी प्रत्याशियों ने शिकायत की है इस बात की, जिसकी वजह से ये बदलाव हो सकता है। शैलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, इस खबर को लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है? देखिए जी, अभी हाल ही में जो महामंत्री संगठन है प्रदेश के सुनील बंसल, उन्होंने 98 जो जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके साथ में एक वर्चुअल बैठक की थी और उसमें इस बारे में संकेत भी दे दिए हैं कि चुनाव के बाद, एमएलसी चुनाव के बाद बदलाव संभव है संगठन में। और इसके पीछे की जो बड़ी वजह है देखिए, वो ये कि कई जगह से जो प्रत्याशी है, चाहे वो चुनाव जीते प्रत्याशी हो या फिर हारे, दोनों की ही तरफ से कुछ जिलाध्यक्षों के खिलाफ शिकायत आई। उनमें कहा गया, ये आरोप लगाए गए कि कुछ जिलाध्यक्षों ने पार्टी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है उनकी तरफ से भी जिलाध्यक्षों के कामकाज को लेकर शिकायत की गई। और इसके अलावा अगर बात करें तो पार्टी ये भी देख रही है कि कौन से ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो संगठनात्मक कामकाज में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, या विधानसभा चुनाव में किस तरह की गड़बड़ी का मामला उनके खिलाफ आया हो। तो इन सभी बातों को लेकर इस तरह का बदलाव करने पर मंथन चल रहा है। और हाल ही में जैसा हमने बताया कि वर्चुअल बैठक हुई थी, उसमें भी महामंत्री संगठन ने इस बात के कहीं ना कहीं संकेत दे दिए थे अपने जितने भी। और माना जा रहा है कि एमएलसी चुनाव के बाद शैलेश, ये बड़ा बदलाव हो सकता है। जिन्होंने काम में लापरवाही की, जिन्होंने काम में दिलचस्पी नहीं दिखाई, उन पर गाज गिर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।